रेरू के गांव में दो भाइयों की कहानी हर घर में सुनाई जाती थी। अजय जो मिस्त्री था और विजय जो टैंक ट्रक का ड्राइवर था। विजय जब भी घर आता तो अजय की टांग खींचने के तरीके ढूंढता था। पर चाहे आपस में दोनों जितना ही लड़ लें, थे तो एक ही जिगर के दो टुकड़े, बुजुर्ग बाप के दो जवान हाथ। पर 2015 की सर्दियों को ये मीठा सा रिश्ता रास न आया। एक शाम ने सब कुछ बदल डाला। ग्वालियर से निकला हुआ विजय टैंक को बिना डीगैस करवाए और बिना अनुमति लिए उसके कंपार्टमेंट के तले में वेल्डिंग करवाने रेरू की ओर बढ़ने लगा और अजय के पीछे वाले वेल्डर की दुकान पे ले गया। गणेश जो उस वेल्डिंग दुकान का मालिक था, विजय को देख उससे बात करने लगा और विजय गणेश को रिपेयरिंग के काम से टैंक के ऊपर ले गया। इस बीच में वेल्डर ने नीचे वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। वेल्डिंग आग ने टैंक के बॉटम कंपार्टमेंट को छुआ ही था कि टैंक में बचे हुए वेपर की वजह से अचानक हुआ एक जोरदार धमाका और विजय इस हादसे में अपनी जान गवा बैठा। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती और हादसा होने में समय नहीं लगता। अजय आज तक विजय की राह तकते हुए जी रहा है। ऐसी गलती कोई और ड्राइवर भूल से भी ना करे, इसलिए समझें कि कुछ छोटी बातें सबको सुरक्षित रख सकती हैं। इस बड़े से हादसे का मुख्य कारण था विजय की लापरवाही, जिसने बिना टैंक को डीगैस किए उस पे वेल्डिंग करवाई। इसीलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। कोई भी हॉट वर्क बिना लोकेशन से अनुमति लिए ना करें और आग से संबंधित काम के समय आसपास ना खड़े रहें। हमेशा याद रखिए कि सतर्कता ही जीवन बचाता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित पहुंचिए, ताकि हर घर का विजय सुरक्षित रहे। इंडियन ऑयल, हर सफर का हम सफर।